भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने विपक्ष के गठबंधन आईएनडीआईए को जोरदार झटका देकर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित करा दिया। वहीं दूसरी तरफ इस विधेयक के पारित होने के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है। बता दें कि जयंत चौधरी वोटिंग के वक्त सदन में मौजूद नहीं थे, उन्होंने वोट नहीं करने का कारण पारिवारिक इमरजेंसी को बताया है। मुद्दों पर निरंतर संघर्ष कर रहा है, जमीनी स्तर पे जनता से जुड़ रहा है और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हम सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और अगली होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में, उसमें राष्ट्रीय लोकदल स्वयं उपस्थित रहेगा। आज राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधिमंडल नुह जा रहा है, वहां पे हुई हिंसा, वहां पे हुआ सरकारी फेल्योर की जमीनी समीक्षा करने, जिसकी रिपोर्ट हमारा प्रतिनिधिमंडल जनता के सामने रखेगा।